हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में पैराबोला ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसमें पैराबोला बाय रेक्टेंगुलर मेथड का सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या रहेगा, उसके लिए क्वेश्चन रहेगा, अ बॉल थ्रोन अप इन द एयर रीचेस अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 150 मीटर एंड ट्रेवल्स अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, ड्रॉ एन एप्रोप्रिएट कर्व ट्रेसिंग द पाथ ऑफ बॉल। तो देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है, इसका सॉल्यूशन हमें ड्रॉ करना है और सॉल्यूशन ड्रॉ करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन में कौन सा कर्व ड्रॉ करना है वो चेक करेंगे, कौन से मेथड से ड्रॉ करना है वो देखेंगे, देन आफ्टर इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। क्वेश्चन हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो देखो, क्वेश्चन में अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे, पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी पैराबोला ये वर्ड लिखा नहीं है। क्वेश्चन में लिखा है अ बॉल थ्रोन अप इन द एयर, कोई बॉल है जो आप एयर में थ्रो कर रहे हैं। क्वेश्चन में आगे लिखा है रीचेस अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 150 मीटर, जब आप बॉल एयर में थ्रो कर रहे हैं तो मैक्सिमम कितना हाइट तक ऊपर गया है, 150 मीटर हाइट तक ऊपर गया है। एंड ट्रैवल्स अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, इसका मतलब बॉल जो है हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 100 मीटर ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ऐसे में क्वेश्चन में आगे लिखा है ड्रॉ एन एप्रोप्रिएट कर्व ट्रेसिंग द पाथ ऑफ बॉल, इसका मतलब बॉल के पाथ को ट्रेस करते हुए हमें एक कर्व ड्रॉ करना है। अब वो किस टाइप का कर्व होगा वो तो यहां पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वो हमें समझना पड़ेगा और ये समझना काफी आसान है। देखो, बॉल हमने ये ले लिए, बॉल अगर आप एयर में थ्रो करेंगे, देखो ये हमने ग्राउंड लेवल यहां पे ले लिए, बॉल को अगर आप एयर में थ्रो करेंगे तो बॉल इस तरह से जाएगा, ठीक है, रीचेस अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 150 मीटर, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। यहां तक ऐसे बॉल जा रहा है और फिर यहां से बॉल जो है वो नीचे ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा, ये देखिए इस तरह से। इसका मतलब ये जो बॉल है ये कौन सा कर्व, ये देखो ये कौन सा पाथ है, ये है पैराबोलिक पाथ, बॉल का ये जो पाथ है ये पैराबोलिक पाथ है। तो हमें इसके थ्रू जो कर्व मिलेगा वो पैराबोला ये कर्व मिलेगा, और ये पैराबोला का बेस और हाइट कितना है, तो क्वेश्चन में दिया है कि रीचेस अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 150 मीटर, ठीक है, ये जो हाइट है ये 150 मीटर का है और जो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इसका मतलब जो बेस है वो 100 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है इट ट्रैवल्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, ठीक है। यहां से हमने बॉल थ्रो किए और फिर से जब ये ग्राउंड में आया तो यहां से लेके यहां तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 100 मीटर है। यहां सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो डिस्टेंस दिया है वो मीटर में दिया है, लेकिन हमें जो पैराबोला ड्रॉ करना है वो सेंटीमीटर में ड्रॉ करना है, या बोलो मिलीमीटर में ड्रॉ करना है। तो हम एक काम करेंगे, यहां पे स्केल लेंगे, स्केल का यूज करके हम ड्रॉ करेंगे। स्केल इसलिए लेंगे क्योंकि हमें सेंटीमीटर में ड्रॉ करना है। तो चलो हम यहां पे स्केल क्या लेंगे, देखो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू ये हम लेंगे दैट इज 10 मीटर, ठीक है, ये हमने स्केल ले लिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मीटर, ठीक है। तो ऐसे में ये जो 150 मीटर जो हाइट है, 150 मीटर माने हो जाएगा 15 सेंटीमीटर और 100 मीटर माने हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, ये जो 10 मीटर है, 10 मीटर यहां पे 150 को 10 से डिवाइड करना है तो आएगा 15 सेंटीमीटर, और ये 100 मीटर को भी 10 मीटर से डिवाइड करना है तो आएगा 10 सेंटीमीटर, ऐसा, ठीक है। तो हम यहां पर वो मेंशन कर लेंगे, तो ये हम लिखेंगे बेस, बेस जो दिया है वो 100 मीटर दिया है, लेकिन बाय यूजिंग स्केल अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा दैट इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर हाइट की अगर बात करें तो हाइट यहां पे 150 मीटर दिया है, और स्केल का यूज करके जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो फाइनली पैराबोला ड्रॉ करने के लिए हमें पैराबोला का बेस और हाइट मिल गया सेंटीमीटर में, और अब हम इसका यूज करके आसानी से पैराबोला बना सकते हैं। लेकिन पैराबोला ड्रॉ करने के लिए यहां पे कौन से मेथड का यूज करना है वो कुछ भी क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है। ऐसे में हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, हम यहां पर रेक्टेंगुलर मेथड का यूज करेंगे। पैराबोला ड्रॉ करने के लिए टोटल 3 मेथड होती है, पहला है रेक्टेंगुलर मेथड इट मीन बाय ऑब्लॉन्ग मेथड, सेकंड है टेंजेंट मेथड, और थर्ड है डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस मेथड। उसमें से हम यहां पे रेक्टेंगुलर मेथड यानी ही ऑब्लॉन्ग मेथड का यूज करने वाले हैं। टेंजेंट मेथड और डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस मेथड का हम यूज क्यों नहीं कर सकते, वो इसीलिए, देखो टेंजेंट मेथड का यूज तब करते हैं जब हाइट कम हो, ठीक है। यहां पे ऑलरेडी हाइट देखो 150 मीटर है, इट मींस ड्रॉ करते समय वो 15 सेंटीमीटर का आएगा, यहां ऑलरेडी काफी ज्यादा हाइट है। आपको टेंजेंट मेथड यूज तब करना है जब हाइट कम हो, क्योंकि टेंजेंट मेथड का यूज करते समय हाइट को डबल करना पड़ता है। तो अगर आप यहां पे टेंजेंट मेथड यूज करेंगे तो 15 सेंटीमीटर को डबल करना पड़ेगा, तो फिर वो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा और वो ड्रॉइंग बुक में ड्रॉ करना काफी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो टेंजेंट मेथड का यूज आपको हाइट कम रहेगी तब करना है, और डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड का भी
यूज करना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे भी डायरेक्ट्रिक्स या फोकस ऐसा वर्ड लिखा नहीं है या इसेंट्रिसिटी ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट्रिक्स फोकस या इसेंट्रिसिटी के बारे में अगर कुछ दिया है, कुछ डाटा दिया है, तो ही आप उसका यूज करते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। फिलहाल हम इसको पूरा ड्रॉ करेंगे बाय रेक्टेंगुलर मेथड, इट मीन बाय ऑब्लॉन्ग मेथड। तो चलो अब ड्रॉ करना शुरू करते हैं। बेस कितना लेना है 10 सेंटीमीटर का और हाइट कितना लेना है 15 सेंटीमीटर का। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने बेस लाइन बना दिए है 100 mm का, इट मीन 10 सेंटीमीटर का, और अब हमें ये बेस लाइन का यहां पे मिड पॉइंट लेना है। तो ये हम 100 का मिड पॉइंट लेंगे, दैट इज 50 mm पे, और यहां पे हमें एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। तो ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के लिए आप प्रोटेक्टर का यूज करेंगे, 90 डिग्री का एंगल लेंगे, और सेंटर पे आपको 90 डिग्री का एंगल लेके आपको क्या करना है, हाइट यहां पे शो करना है। हाइट कितना है, हाइट है 15 सेंटीमीटर का। तो ये हमने बेस और हाइट यहां पे ले लिया है। बेस है 100 mm का और यहां पे हम नेमिंग दे देंगे ए बी, ठीक है, बेस में हमने नेमिंग दे दी, और ऊपर जो हाइट पे पॉइंट है उसको हम कहेंगे पॉइंट सी, और ये पॉइंट सी जो है वो 15 सेंटीमीटर पे है, इट मीन 150 mm पे है। और अब हम यहाँ पे रेक्टेंगुलर मेथड का यूज करेंगे। तो जैसा कि नाम है रेक्टेंगुलर मेथड, ऐसे में हमें एक रेक्टेंगल क्रिएट करना पड़ेगा। तो रेक्टेंगल कैसे क्रिएट करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले बेस को क्या करना है, देखो बेस को एग्जैक्टली पैरेलल आपको सी से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, बेस को पैरेलल। देन ये जो हाइट है, हाइट को एग्जैक्टली पैरेलल आपको बी से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है और ए से भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। ऐसे में एक रेक्टेंगल यहां पे बन जाएगा। तो चलो हम वो ड्रॉ करेंगे, और वो आपको फेंट ड्रॉ करना है बाय यूजिंग फेंट पेंसिल। तो ये देखिए, बेस और हाइट का यूज करके हमने यहां पे एक रेक्टेंगल बना लिए हैं, और ये ऐसा वर्टिकल रेक्टेंगल बना है, और अब हमें इसके अंदर कंस्ट्रक्शन करना है। तो चलो कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। क्या करना है, देखो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, ये ए बी सी हो गया, यहां पे हम एक पॉइंट कहेंगे डी और इसको हम कहेंगे ओ, ठीक है। अब क्या करना है, ये एओ और एडी को डिवाइड करना है, ठीक है, एओ और एडी को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि वो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करते हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। जितने पार्ट में आप एओ को डिवाइड करेंगे उतने ही पार्ट में आप एडी को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो एओ का लेंथ क्या है, एओ का लेंथ है 50 mm, क्योंकि बेस है पूरा 100 mm का, तो उसका हाफ है एओ, दैट इज 50 mm। तो हम एक काम करेंगे, 50 mm को 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे, आसानी से डिवाइड हो सकता है और ये इक्वल पार्ट होना चाहिए। तो अगर आप इसको 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये एडी को भी आपको 5 पार्ट में डिवाइड करना है। एडी का लेंथ क्या है, एडी का लेंथ है दैट इज 15 सेंटीमीटर, इट मींस 150 mm। तो 150 mm को 5 पार्ट में डिवाइड करना है, तो हर एक पार्ट कितने का आएगा, हर एक पार्ट 30 mm का आएगा, इट मींस 3 सेंटीमीटर का आएगा, ठीक है, क्योंकि 3 × 5 = 15 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहां पे 3 सेंटीमीटर के 5 पार्ट्स लेंगे और यहां पे 1 सेंटीमीटर के 5 पार्ट्स लेंगे और इसको डिवाइड करेंगे। तो ये देखिए, हमने डिवाइड कर लिया है और अब हम यहां पे नंबरिंग देंगे। तो बेस में हम यहां से लिखेंगे 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, और हाइट में यहां से हम लिखेंगे 1, देन ये 2, देन ये 3, ये 4 और वो 5। इस तरह से ये हमने डिवाइड कर लिए, दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिए, और अब आगे का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। आगे अब हमें क्या करना है, देखिए काफी सिंपल है। अब हम क्या करेंगे, ये जो सी पॉइंट है, सी से ये 1 ज्वाइन करेंगे, सी से 2 ज्वाइन करेंगे, सी से 3 ज्वाइन करेंगे, सी से 4 ज्वाइन करेंगे, और ये कंस्ट्रक्शन फेंट करना है। तो चलो ये करेंगे। तो इस तरह से ये देखिए हमने ज्वाइन कर लिए हैं, ये फेंट कंस्ट्रक्शन है, फेंट पेंसिल का यूज करना है। और अब इसके बाद ये जो 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 से वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करना है, ठीक है। तो चलो ये ड्रॉ करेंगे, और उसके लिए आपको ये हाइट का यूज करना है, हाइट को एग्जैक्टली पैरेलल लेके आपको ये 1 2 3 4 से वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करना है। तो फिलहाल हमने इतना कंस्ट्रक्शन कर लिया है। ये जो वर्टिकल लाइंस आप जब ड्राइंग बुक में ड्रॉ करोगे, तो वो ड्रॉ करने के लिए आप रोलर स्केल का यूज करना या मिनी ड्राफ्टर का यूज करना, उसके थ्रू वो एग्जैक्टली पैरेलल टू ईच अदर आएंगे। यहां पे ये इतने बड़े बोर्ड पे हमारे पास इतना बड़ा रोलर स्केल या मिनी ड्राफ्टर नहीं है, तो हम एक सिंपल स्केल से इसको कर रहे हैं, तो ये कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो फिलहाल इतना कंस्ट्रक्शन ये जो किया है, ये हमने सिर्फ लेफ्ट साइड के बॉक्स में किया है, राइट साइड के बॉक्स में नहीं किया है। आप चाहे तो सेम कंस्ट्रक्शन राइट साइड के बॉक्स में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बुक्स में दोनों
दोनों साइड में डिवीजन करा के दिया है, दोनों साइड में कंस्ट्रक्शन दिया है, तो कुछ बुक्स में सिर्फ एक ही साइड में कंस्ट्रक्शन दिया है। ठीक है, आप अगर एक साइड में कंस्ट्रक्शन करेंगे तो भी चलेगा, इसके थ्रू भी आप आसानी से पैराबोला बना सकते हैं। ठीक है, वैसे आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर आपको जो मेथड फॉलो करने के लिए कह रहे हैं आपको वो मेथड फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल हमने सिर्फ एक ही साइड में कंस्ट्रक्शन किया है और अब इसका यूज करके हम राइट साइड में भी पैराबोला के पॉइंट्स ले लेंगे, लेकिन लेफ्ट साइड में पैराबोला के हमें जो पॉइंट्स मिले हैं हम उसको पहले मार्क कर लेंगे। तो ये कैसे मिलेंगे, देखो ये 1 का वर्टिकल लाइन और ये C1 यहां पे क्रॉस हुआ, देखो यहां पे क्रॉस हुआ, तो ये पहला पॉइंट। देन ये 2 का वर्टिकल लाइन और ये C2 का लाइन, देखो यहां पे क्रॉस हो रहा है, ये सेकंड पॉइंट। देन ये 3 का वर्टिकल लाइन और ये C3 यहां पे क्रॉस हो रहा है, ठीक है, और ये 4 का वर्टिकल लाइन और ये C4 यहां पे क्रॉस हो रहा है। देखो हमें इधर ये 4 पॉइंट्स मिल चुके हैं, 1, 2, 3, 4, ये क्रॉस सेक्शन पॉइंट का यूज करके हम इधर के साइड का पैराबोला आसानी से बना सकते हैं। और अब ऐसे ही पॉइंट्स अगर हमें वो साइड में चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम ये सभी पॉइंट्स 1, 2, 3, 4 ये सभी पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे पैरेलल टू द बेस, फिर वो पॉइंट्स जितना लेफ्ट साइड में है उतना ही हम राइट साइड में उसको मार्क करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम ये सभी पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये पहला पॉइंट, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, और पैरेलल टू द बेस चाहिए। और ये ड्रॉ करने के लिए फिर से आप रोलर स्केल या मिनी ड्राफ्टर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हम ये ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए लेफ्ट साइड के सभी क्रॉस सेक्शन पॉइंट से हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर लिए हैं पैरेलल टू द बेस, और अब ये सभी पॉइंट्स का लेंथ आपको कंपास में लेना है और ये जितना लेफ्ट साइड में है उतना ही अब आपको राइट साइड में मार्क करना है। तो ये हमने कंपास ले लिए और अब देखिए ये देखिए ये जो पहला पॉइंट था, पहले पॉइंट से जो आपने हॉरिजॉन्टल लाइन आपने जो ड्रॉ किए हैं आपको कंपास यहां रखना है, यहां से लेके इतना डिस्टेंस आपको कंपास में लेना है और ये डिस्टेंस लेके आप इसको राइट साइड में मार्क करेंगे। ठीक है, ये जो हाइट वाली जो लाइन है इसके ऊपर आपको रखते हुए ये सभी डिस्टेंसेस लेना है। उसी तरह से फिर ये पॉइंट का डिस्टेंस आप कंपास में लेंगे, जितना ये लेफ्ट साइड में है उतना ही ये डिस्टेंस आपको राइट साइड में मार्क करना है। तो ये देखिए सभी पॉइंट्स हम बिल्कुल वैसे ही मार्क करेंगे। तो ये पहले पॉइंट का लेंथ हमने ले लिए कंपास में और ये हम राइट साइड में मार्क करेंगे। फिर ये सेकंड पॉइंट का लेंथ हमने कंपास में ले लिए, जितना ये लेफ्ट साइड में है उतना ही ये हम राइट साइड में मार्क करेंगे। फिर ये थर्ड पॉइंट, ठीक है, धीरे धीरे जो है वो डिस्टेंस कम होते जा रहा है, तो ये हमने कंपास में ले लिए और ये जितना लेफ्ट साइड में है उतना ही राइट साइड में हमने मार्क किए। और फिर ये लास्ट, ये हमारे कंपास में नहीं आ रहा है क्योंकि ये काफी छोटा डिस्टेंस है, तो हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करके यहां पे शो करेंगे। तो ये देखिए फाइनली हमें राइट साइड में सभी पॉइंट्स मिल चुके हैं और ये पॉइंट्स को अब हम मार्क करेंगे। ये देखिए ये हमने मार्क कर लिए और अब हमें ये सभी को ज्वाइन करना है। हमें पैराबोला जो ड्रॉ करना है वो A से स्टार्ट करना है, A से ये पैराबोला इस तरह से ये निकलेगा और ये C से होते हुए फिर ये B पे पहुंच जाएगा। इस तरह से ये हमें ड्रॉ करना है और ये ड्रॉ करने के लिए अब आपको फ्रेंच कर्व का यूज करना है। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व नहीं है तो आप फ्री हैंड भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन फ्री हैंड जो है वो काफी स्मूथ नहीं बनता है, तो स्मूथ कर्व ड्रॉ करने के लिए आपको फ्रेंच कर्व का यूज करना चाहिए, तो उसकी आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। फिलहाल इतना बड़ा फ्रेंच कर्व हमारे पास नहीं है तो हम ये फ्री हैंड अभी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये देखिए फाइनली हमने ये पैराबोला कंप्लीट कर लिया है और ये काफी अच्छा नहीं बना है क्योंकि ये हमने फ्री हैंड बनाया है, लेकिन जब आप इसको ड्राइंग बुक में फ्रेंच कर्व का यूज करके ड्रॉ करेंगे तो काफी अच्छा बनेगा और स्मूथ कर्व आएगा। और यहां पे हमने डायमेंशंस भी लिख दिया है, देखो बेस हमने लिखा है 100 मीटर और हाइट लिखा है 150 मीटर। एक बात का आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में इस टाइप की प्रॉब्लम जब आते हैं तो ऐसे में आपको जो यहां पे डायमेंशन जो शो करना है वो ओरिजिनल डायमेंशन शो करना है। क्वेश्चन में 100 मीटर और 150 मीटर का बेस और हाइट दिया है तो आपको वो मीटर में शो करना है, आपको सेंटीमीटर या मिलीमीटर में शो नहीं करना है, ये बात का आप ध्यान रखो। क्वेश्चन में कहीं पे भी टेंजेंट एंड नॉर्मल ड्रॉ करो ऐसा लिखा हुआ नहीं है। अगर क्वेश्चन में टेंजेंट एंड नॉर्मल लिखा होता तो फिर हमने यहां टेंजेंट एंड नॉर्मल भी बनाए होते। वैसे इसके पहले के वीडियो में इट मींस पैराबोला के फर्स्ट प्रॉब्लम में टेंजेंट एंड नॉर्मल कैसे ड्रॉ करना वो हमने पूरी तरह से उसमें एक्सप्लेन करके बताए थे, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, टेंजेंट एंड नॉर्मल आपको ड्रॉ करना आ जाएगा। तो फाइनली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है, ये सॉल्यूशन आपको अपनी ड्रॉइंग बुक ड्रॉ करके देख लेना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा पैराबोला आपको समझ में आया होगा। ये था आज का पैराबोला बाय रेक्टेंगुलर मेथड का प्रॉब्लम नंबर 2। इसके पहले जो हमने इसका एक प्रॉब्लम लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।